أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर है। दोस्तों आज की इस डेटाबेस मैनेजमेंट की क्लास में हम ये डेटाबेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नया शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास के अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मैं आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इंट्रो दूंगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये कंपनीज़ के अंदर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या अहमियत होती है। तो चलिए दोस्तों हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम चूंकि डेटाबेस का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके कोर्स कंटेंट का पता होना चाहिए। आई हैव डिवाइडेड दिस कोर्स इनटू टू मेजर पार्ट्स। मैंने जो है इस कोर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। द फर्स्ट वन इज द थ्योरेटिकल पोर्शन विच इंक्लूड डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स एंड द फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। हम जो है इसके अंदर कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो डेफिनेशंस हैं उनको कवर अप करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर अप करेंगे और इसके साथ ही डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बनाएंगे। After that, the second part will continue. The second part include the practical portion. ये practical portion के ऊपर होगा। इसमें हम SQL सर्वर के बारे में पढ़ेंगे और जो हमने पार्ट वन के अंदर डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाया था वी हैव इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रक्चर इनटू द SQL सर्वर। डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर के ऊपर जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह इस कोर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन टू द कंप्यूटर। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज स्टोर ऑन द कंप्यूटर दैट कैन बी सर्च, जिसको सर्च किया जा सकता है एंड रिट्रीव और उसको रिट्रीव किया जा सकता है, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप दोबारा उसको हासिल कर सकते हैं बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से। तो हमें पता ये चला कि डेटाबेस जो है बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हम कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करते हैं वो हमारे पास डेटाबेस बन जाता है जब बहुत सारा डेटा जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक टेबल नजर आ रहा है दैट रिप्रेजेंट दैट डेटा और इसके अंदर आपको पांच रोव नजर आ रही हैं और दो कॉलम्स नजर आए हैं। द होल टेबल रिप्रेजेंट द डेटाबेस, ये आपका पूरा एक डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है, बट द इंडिविजुअल रो रिप्रेजेंट द डेटा, वो एक डेटा को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द पर्सन। अब पर्सन का जो डेटा है उसके अंदर पर्सन का नेम हो सकता है, पर्सन की एज हो सकती है, पर्सन का एड्रेस हो सकता है, पर्सन का मोबाइल नंबर हो सकता है, तो ये आपका पर्सन से रिलेटेड डेटा है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है। उसके बाद बुक है तो बुक का टाइटल हो सकता है, बुक का ऑथर हो सकता है, बुक का पब्लिशर हो सकता है, तो ये बुक से रिलेटेड डेटा है। उसके बाद हमारे पास फूड है तो फूड नेम हो सकता है, फूड का ब्रांड हो सकता है और उसकी प्राइस हो सकती है फूड आइटम की, तो ये हमारा फूड से रिलेटेड डेटा है। और उसके बाद व्हीकल है तो उसमें हमारे पास व्हीकल का ब्रांड है, व्हीकल का मॉडल है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका चेसिस नंबर है, तो ये सारा व्हीकल से रिलेटेड डेटा है। और जब हम इस सारे डेटा को एक जगह पर रख देते हैं तो उसको हम जो है डेटाबेस कहते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है दैट इज नोन एज डीबीएमएफ। अब डीबीएमएफ स्टैंड फॉर DBMS जो है दैट इज द एब्रीवेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने पिछली स्लाइड के ऊपर पढ़ा कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज नोन एज द डेटाबेस। अब DBMS क्या है तो DBMS इज अ टूल टू मैनेज दिस डेटा एंड बोथ ज्वाइंटली आर कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हमारा जो डेटा है
प्लस उसको मैनेज करने के लिए जो टूल है, अगर हम उन दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। तो दोस्तों हमारे पास जो है, हम लोग डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द डेटा शेयरिंग, द सेकंड वन द डेटा इंडिपेंडेंसी, और द थर्ड इज द कंट्रोल्ड रिडेंसी। इसके बाद है डेटा इंटेग्रिटी। अब ये चार किस्म के बेनिफिट हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके फवायद हो सकते हैं। अब हम बारी बारी इन एडवांटेजेस को लेंगे और विद इन डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आपको फायदा देते हैं। द फर्स्ट वन इज द डेटा शेयरिंग, द डेटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन आर सब सिस्टम इज प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। दिस इंट्रोड्यूस द मेजर बेनिफिट ऑफ डेटा शेयरिंग। आपका सारा जो डेटा है उस कंपनी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो एक जगह के ऊपर स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर या आईडी है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद उसका फादर नेम है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। हमारे पास जो दूसरा टेबल है दैट इज द प्रोग्राम टेबल। अब ये प्रोग्राम के हवाले से है, हमारे पास एक एमफिल का प्रोग्राम है, एक एमआईटी का प्रोग्राम है। अब जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इनरोल है या थर्ड सेमेस्टर के अंदर इनरोल है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल है वो हमारे पास फैकल्टी का टेबल है। उसके अंदर देखें अली अहमद और एहसन अहमद आ रहा है। तो अब ये देखें कि ये तीन आपके पास जो है वो रिकॉर्ड है या तीन टेबल है, और ये सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर प्लेस है। तो इससे क्या होगा कि व्हेन यू आर एक्सेसिंग के आपने जो देखना है कि मोहसिन रजा का जो है वो टीचर या फैकल्टी मेंबर कौन सा है, तो आपको फैकल्टी के टेबल से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मोहसिन कौन से सेमेस्टर के अंदर इनरोल है तो वो आपको प्रोग्राम रिकॉर्ड से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मोहसिन का कॉन्टेक्ट नंबर देखना चाहते हैं तो वो आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड से अवेलेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ऑल द डेटा दैट आर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल प्लेस वो आपका आपस में शेयर हो रहा है। तो इसको हम डेटा शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहेंगे। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द सेकंड एडवांटेज इज द डेटा इंडिपेंडेंसीज। अब इंडिपेंडेंसीज क्या है, डेटा एंड प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो चेंजेस इफ वंस हैव नो आर मिनिमम इफेक्ट ऑन अदर। अब इसमें देखें आपके पास तीन टेबल हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड का है, प्रोग्राम रिकॉर्ड का है और फैकल्टी रिकॉर्ड का है। अब अगर हम मोहसिन का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जाके वहां पे चेंज करना पड़ेगा, और इसका जो इफेक्ट है ना तो आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड पे पड़ेगा ना ही फैकल्टी रिकॉर्ड पे पड़ेगा। तो ये आपकी डेटा इंडिपेंडेंसी है कि हर जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट है, उसका इफेक्ट जो है चेंज का किसी दूसरे डेटा के ऊपर नहीं पड़ता। वी हैव स्टोर डेटा इन टू द डिफरेंट टेबल, और हम जो है डेटा जो है वो डिफरेंट टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद हम इसका तीसरा बेनिफिट देखते हैं, वो है कंट्रोल्ड रिडेंसी। अब रिडेंसी क्या है, रिडेंसी मीन दैट वी डू नॉट नीड टू डुप्लीकेट डेटा अननेसेसरीली, वी डू नॉट डुप्लीकेट डेटा इन द डेटाबेस, हाउएवर दिस डुप्लीकेशन इज डेलिबरेटली एंड कंट्रोल्ड। अब इसका मतलब ये है कि रिडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि जब आप डीबीएमएस यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपका जो डुप्लीकेशन है डेटा की वो नहीं होती। अब अगर हम मैनुअल रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें देखें कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर जब हम प्रोग्राम का रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसमें हमें जो है रोल नंबर डालना पड़ेगा कि मोहसिन का जो रोल नंबर है वो ये है और उसका जो सेमेस्टर है वो ये है। इसी तरह जब हम फैकल्टी का टेबल बनाएंगे, अली अहमद का टेबल बनाएंगे, तो उसमें हम लिखेंगे कि ये आईडी जो है वो अली अहमद को असाइन है। तो इससे आपकी डेटा की डुप्लीकेशन होगी। तो जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती, और इसमें मैंने लिख भी दिया है वी नीड आईडी टू एक्सेस रिकॉर्ड ऑफ ईच टेबल बट स्टोर इन वन टेबल, कि हमें हर टेबल से रिकॉर्ड को उठाने के लिए आईडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने वो आईडी जो है एक ही टेबल के अंदर स्टोर किया है। इससे डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती ना ही रिडेंसी होती है। इसके बाद अगला जो हमारा
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा है वो है डेटा इंटेग्रिटी। अब DBMS प्रोवाइड मेनी फीचर टू इंश्योर द डेटा इंटेग्रिटी इनहेंस प्रोवाइडेड मोर रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंट। कि आपकी जो डेटा की वैलिडिटी है, आपका जो DBMS का सॉफ्टवेयर है SQL, उसके अंदर काफी सारे आपको फीचर्स फराहम किए जाते हैं। उसमें एक फीचर ये भी है कि जैसे अब ID है, तो इसकी जो डेटा टाइप है दैट इज न्यूमेरिक। तो जब आप इसके अंदर करेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे तो वो आपको स्टोर नहीं करने देगा। जैसे अब नेम है, तो वहां पे आपकी जो डेटा टाइप है वो करेक्टर टाइप है। हम इन डेटा टाइप्स के बारे में जब हम SQL का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको डेटा टाइप्स भी बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रखें कि जो 1, 2, 3 होता है ये आपका न्यूमेरिक डेटा होता है, और जिसके साथ ABC और Z तक करेक्टर आते हैं ये आपका करेक्टर टाइप का या अल्फाबेटिकली डेटा है। तो नेम के अंदर हमारा अल्फाबेटिकली या करेक्टर टाइप डेटा स्टोर होता है, तो उसके अंदर अगर हम न्यूमेरिक स्टोर करना चाहेंगे तो हमें वो स्टोर नहीं करने देगा। तो इससे आपकी जो डेटा की इंटेग्रिटी है या वैलिडिटी है डेटा की, वो इनहेंस होती है। तो DBMS का एक फायदा ये भी है कि आपकी जो डेटा की वैलिडिटी है उसको भी इनहेंस करता है। तो दोस्तों ये है डेटाबेस को यूज करने के फायदे। दोस्तों हमने ये नया एक सब्जेक्ट शुरू किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसी शौक और वॉक के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे और डेटाबेस को सीखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले हम जो है क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने इस कोर्स को कैसे डिफाइन किया है, इसका कोर्स कंटेंट क्या होगा। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि डेटाबेस क्या होती है, उसके साथ मैंने आपको ये बताया DBMS से क्या मुराद है, उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि डेटाबेस को जो हम यूज कर रहे हैं इसके फवायद क्या हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स की सूरत में फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।